तो ये है AirPods Pro 2। तो आज मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन AirPods Pro 2 हैं। अब एक ट्विस्ट की बात बताऊं, ये तीनों के तीनों ही फेक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन Apple AirPods Pro 2 के जो क्लोन है ना, एक्चुअल में कितने फेक हैं, कौन कौन सी चीजें काम करती हैं, नहीं करती, एंड क्या आपको इनमें अपना पैसा डालना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले, हमने जो लास्ट वीडियो करी थी ना इस कैटेगरी की, वो करी थी इस वाली Apple Watch की। इसका जो विनर है ना, वो मेरे Instagram पे विद इन 24 आवर्स इस वीडियो के पब्लिश होने के मैं वहां पे डाल दूंगा। तो मेक श्योर आप वहां पे जरूर चेकआउट लेना, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि ये भी एक जाने वाला है गिवअवे पे, इसकी डिटेल्स वीडियो के लास्ट में। तो यार देखो, इन तीनों में से जो बेस्ट क्वालिटी के पॉड्स है ना, वो मुझे लगे ये वाले, एंड इन दोनों को करता हूं साइड में। अब इसका करते हैं डिटेल में पोस्टमार्टम। तो देखो जी, ये पॉड्स हैं, यहाँ पे बिल्कुल ओजी टाइप का पूरा स्टिकर है, यहाँ पे AirPods Pro इन्होंने टाइप कर दिया है, साइड में आपको लोगो भी शाइनी वाले मटेरियल के अंदर मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है एक स्टिकर, सीरियल नंबर की मेड इन USA, क्वालिटी पैकेजिंग बढ़िया बनाई हुई है बाहर से। पीछे की तरफ ना यहाँ पे सील लगी हुई थी, ये ओजी जैसी यहाँ पे ये सील लगी होती है, ये मैंने खोल लिया है क्योंकि मैं हफ्ते भर से इसको चेकआउट कर रहा था। अब इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है बुकलेट्स अंदर की तरफ ना, यहाँ पे ये देखो पूरे ओरिजिनल जैसे लीफलेट्स मिल जाते हैं। तो अब ना यहाँ पे सबसे पहले हमको एक पॉड्स मिल जाते हैं, इसको पॉड्स को ओपन कर लेते हैं, ओरिजिनल जैसी पैकिंग है इसकी, ये पॉड्स निकल के आ गए, बिल्कुल मस्त फिनिश है इसकी, ग्लॉसी वाइट जैसे ओजी के अंदर आती है। नीचे की तरफ हमको तीनों पोर्ट्स एग्जैक्टली एज सेम मिल जाते हैं, चार्जर पोर्ट, स्पीकर, एंड इवन पीछे की तरफ ना यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन USA, सर्कल में एक पेयरिंग का बटन, एंड फ्रंट की तरफ एक नोटिफिकेशन लाइट, एग्जैक्टली सेम है भाई, ओपन करते ही जो है यहाँ पे लाइट जल जाती है ग्रीन, एंड राइट साइड में है एक लैनयार्ड का हुक। तो अपने स्ट्रे के बाद हमको मिलती है एक वायर, तो ये देखो ये टाइप सी टू एक लाइटनिंग केबल है, एंड इसके बाद हमको 6 जो है ईयर लूप्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब एक चीज नोट करने वाली है कि इसमें तो ये लिखते हैं कि ये फास्ट वाली वायर है, लेकिन जितने भी क्लोन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये वाली वायर फास्ट नहीं होती, विच मीन्स आईफोन 12, 13, 14 कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं कर पाएगी ये वायर। अब इन पॉड्स के बारे में और बताने से पहले ना, आपके एक बहुत ही कमाल के काम की बात बता देता हूँ। अभी जनवरी में फेस्टिवल्स आ रहे हैं, एंड ऐसे में सारे मार्केट प्लेसेस पे बहुत अमेजिंग सेल्स लग चुकी हैं, भले वो कपड़ों पे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो, और ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर भारी डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो सकता है अपनी विशलिस्ट को कंप्लीट करने का। बेसिकली आप इन सेल्स एंड डिस्काउंट्स के ऊपर अपना अलग से कैशबैक भी कमा सकते हो। मेरे इस फ्रेंड से मिलो जिसका नाम है कैश करो, एंड यहाँ पे आप जितनी भी ऑनलाइन अपनी परचेजेस करते हो इस पे मिलता है आपको कैशबैक, जो कि बिल्कुल रियल मनी होता है, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, आजियो जैसे 1500 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग करके अप टू 30% तक का कैशबैक ले सकते हो। सिंपल से दो स्टेप्स हैं डाउनलोड करने के लिए, ध्यान से सुनना क्योंकि आगे गिव अवे की भी बात बता रहा हूँ। स्टेप 1, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कर लो, कैश करो डाउनलोड कर लो, मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना SS25, अपने प्ले स्टोर या एप स्टोर कहीं से भी डाउनलोड करके आपको ₹25 का इंस्टेंट बोनस मिल जाता है। स्टेप 2, अब जाओ अपनी फेवरेट वेबसाइट पे, जैसे कि मैं यहाँ पे गया अमेजन पे क्योंकि मुझे बर्ड्स ऑर्डर करने हैं, यहाँ पे मुझे मिल रहा है एक ऑरेंज बटन, इस बटन को क्लिक करते ही ये रिडायरेक्ट हो जाता है सीधा अमेजन की साइट पे। अब बस नॉर्मल जैसे शॉपिंग करते हो वैसे करो, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में आपके कैशबैक का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना कितना सिंपल। तो कैश करो, यूज करो, कैशबैक्स कमाओ, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कितने पैसे सेव करे। अब बातें कम काम ज्यादा, सीधा इसको कनेक्ट करके देखते हैं अपने आईफोन से। तो यार ये देखो, ये ओपन करा एंड यहाँ पे पॉपअप आ गया, नॉट योर AirPods Pro, एंड इसको कनेक्ट करते हैं। पीछे का जो ये बटन है इससे पेयरिंग कर लेते हैं, लॉन्ग प्रेस किया एंड यस, ये भी यहाँ पे पेयर हो गया पूरा बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। इन्होंने पता नहीं क्या सेटअप बना दिया इनके अंदर। तो ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि चार्जिंग केस की जो बैटरी है वो 87% है, एंड जो पॉड्स है उनकी बैटरी 100% पे है। यहाँ पे इसने नाम दे दिया, ये जो नाम है हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे तीनों ऑप्शंस दे रहा है, नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी, या फिर आप ऑफ रखना चाहो, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। अभी मैं इसको ट्रांसपेरेंसी भी कर देता हूँ। इसके बाद लेफ्ट राइट आप दोनों को सेपरेटली भी कंट्रोल कर सकते हो। ईयर टिप का फिट टेस्ट यहाँ पे बोल रहा है कि आप लगा के देख लो, तो चेक कर लेते हैं भाई। ऑडियो आया बढ़िया सा, एंड यहाँ पे अपडेट आ गया कि दोनों की सीलिंग ढंग से हो गई है कानों के अंदर, तो एक कान निकला हुआ है फिर भी ये दोनों कानों पे बोल रहा है कि ये जो सील है ये ढंग से लगी हुई है। स्पेशल ऑडियो यहाँ पे दिखाता है कि आप अपने कान में से निकालो, इसको यूज करो, लेकिन ये वर्क नहीं करता एटलीस्ट यहाँ पे। ओके, जब हम म्यूजिक प्ले करेंगे तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस दे रहा है, स्पेशल ऑडियो के, ऑफ, फिक्स्ड,
एंड हेड ट्रैक। अब देखो स्पेशल ऑडियो मतलब आपको 30,000 वाला मजा तो नहीं दे देगा ये 2,500 रुपए के अंदर। शायद इन्होंने इक्वलाइजर सेट किए होंगे, टेक्निकली थोड़े थोड़े से माइनर डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल परफेक्ट वाला जो चीज होती है ना वो तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। अब सीरियल नंबर की जो कवरेज है वो दिखा रहा है यहाँ पे एक्सपायर्ड। अब देखो सीरियल नंबर की बात रही, जितने भी सेलर्स मिलेंगे ना आपको इस वाले प्रोडक्ट के, तो वो सब ये लोग बोलते हैं कि वर्किंग सीरियल नंबर, मतलब कि पुराने किसी पॉड का जो ओरिजिनल नंबर था वो ऐसा हजारों डब्बों के ऊपर इन्होंने छाप दिया, एंड अब हजारों लोग जब वो इंटरनेट पे एप्पल की साइट पे अपना सीरियल नंबर डालेंगे तो वो दिखा देगा कि भाई लेजिट है। उससे फर्क नहीं पड़ता आपको कुछ भी स्टेटस वहां पे दिखा रहा हो, वहां पे स्टेटस दिखाने से आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं हो जाएगा। गलती से भी ना एप्पल के सर्विस सेंटर में मत ले जाना, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। तो देखो अभी तक शायद आपको लग रहा होगा कि ये काफी एवरेज प्रोडक्ट है, लेकिन अब आपके शायद थोड़े से व्यूज चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्यों चाइना की इस बात पे दांत है जिस हिसाब से उन्होंने ये क्लोन बनाया है। सारी की सारी चीजें इतनी डिटेल में इन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी है ना कि मेरे होश उड़ गए। तो यार सबसे पहले तो ना यार देखो अंदर की तरफ यहाँ पे प्रिंट हो रखा है, एंड यहाँ पे चीजें लिखी हुई है जैसे एप्पल, उसके बाद इसका मॉडल नेम, उसके आगे उसकी कंट्री नेम जहाँ पे वो बनाए, एंड उसके नीचे उसका सीरियल नंबर। ज्यादातर फेक्स के अंदर आपको इतनी ज्यादा डिटेलिंग देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट चीज है इसका वेट, ना ज्यादा हल्का लग रहा है ना ज्यादा भारी। कंफर्म करने के लिए मैं गया एप्पल की साइट पे, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि एक एक बर्ड का जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 5.3 ग्राम्स है, एंड जो चार्जिंग केस है उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 51 ग्राम्स। मतलब कि एप्पल के हिसाब से दोनों बर्ड्स एंड इस केस का जो वेट है वो मिला के होना चाहिए एग्जैक्टली 61.4 ग्राम्स, एंड भाई इसका वेट एग्जैक्टली 61 ग्राम्स, डिफरेंस सिर्फ 0.4 ग्राम्स, रिमार्केबल था भाई ये वाला। नेक्स्ट चीज है इसकी मैगसेफ चार्जिंग। यस, आपको लग रहा होगा शायद क्लोन्स के अंदर मैगसेफ चार्जर कहां ही चलता होगा, बट भाई इस वाले के अंदर चल रहा है, एंड मेरे पास एक ये चालू वाला चार्जर है, इसके ऊपर भी जब मैं रख रहा हूं ना तो आप देख रहे हो यहां पे ये पूरी ब्लू हो गई, एंड यहां पे इसकी रेड लाइट जलनी स्टार्ट हो गई, विच इंडिकेट्स कि ये चार्ज हो रहा है। जस्ट टू वेरीफाई कि ये चार्ज हो रहा है ना, मैं इसको यहां से हल्का सा ओपन करता हूं, एंड यहाँ पे पॉपअप आ जाना चाहिए, एंड देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अब ये चार्ज हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको चार्जर को हटा देता हूँ तो ये नॉर्मल बैटरी परसेंटेज दिखाता है, लेकिन चार्जिंग का साइन यहाँ से गायब हो गया। अब क्यों ना इसके सेंसर्स को भी चेक कर लिया जाए। तो देखो सबसे पहली चीज, जब मैंने इसको कान में लगाया हुआ है तब ये चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कान से निकाल लिया तो यहाँ पे ये पॉज हो गया। दोबारा से मैं प्लग इन करता हूँ, एंड अगेन ये यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो गया। सेकंड चीज है इसकी वॉल्यूम कंट्रोल सेंसर, जैसे कि हम ओरिजिनल में नीचे स्लाइड करते हैं तो वॉल्यूम डाउन हो जाती है, एंड अप करते हैं तो ऊपर हो जाती है, एग्जैक्टली इसमें भी इसी तरीके से काम करता है। तीसरा सेंसर इसका कॉल पिकअप वाला, नॉर्मल यहाँ पे प्रेस करो एंड कॉल पिकअप हो जाता है, हेलो। इवन गानों में भी नेक्स्ट सॉन्ग चलाना हो या प्रीवियस, तो वो सेंसर भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, बस डबल टैप फटाफट से कर लो तो आपका जो है नेक्स्ट ट्रैक यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाता है, एंड प्रीवियस करना है तो लेफ्ट वाले ईयर पर डबल टैप कर लो तो आपका दोबारा से जो है प्रीवियस ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो यार अब बात आती है ऑडियो क्वालिटी की, एंड नो डाउट मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत सही लगी। चाहे आप मिड्स ले लो, चाहे आप लोज ले लो, चाहे हाईज ले लो, काफी बढ़िया डिसेंट है यार। मतलब जो 3,000 रुपए तक के जो आप नॉर्मल ईयरबड्स लेते हैं ना, नॉइज बोल्ट या एक नॉर्मल एवरेज ब्रांड के, कंपैरेटिवली आप कह सकते हो हाँ उसी तरीके की ऑडियो क्वालिटी मिल रही है। ईयर ग्रिप्स काफी बढ़िया है, आप वर्कआउट वगैरह के लिए करने जाओ बिल्कुल आपके कान को बढ़िया तरीके से सपोर्ट करेंगे, एंड ओवरऑल क्वालिटी मुझे काफी इसकी सेटिस्फैक्ट्री लगी। एक इंटरेस्टिंग चीज, ये फाइंड माई को भी सपोर्ट करता है, विच मींस आपके जहां पे भी एयरपॉड्स पड़े होंगे वहां की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि आपका फोन जो है इनसे कनेक्टेड होना चाहिए। यहां पे ना एक प्ले साउंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके बर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं रख के भूल गए हो, तो आप यहां पे प्ले साउंड कर दो। अब ये जो नॉइजेस आ रहे हैं ना, ये बीप्स जो आ रहे हैं, ये बेसिकली इन बर्ड्स में से आ रहे हैं, ना कि इस वाले स्पीकर में से। अब मैंने ना आपको वीडियो की स्टार्टिंग में तीन क्वालिटीज दिखाई थी, एक्चुअली में आप इनमें डिफरेंसेस पता नहीं लगा सकते। पहला वाला मैंने जो पीस लिया वो लिया अप्रोक्सीमेटली 1200 का, दूसरा पीस लिया अप्रोक्सीमेटली 1600 रुपए का, एंड तीसरा जो सबसे टॉप क्वालिटी का पीस था वो लिया मैंने 2300 रुपीज के आसपास। तो आप जो इनके मेजर डिफरेंसेस है ना वो सिर्फ आप फील कर सकते हो, जब आप इनकी ऑडियो क्वालिटी कानों में सुनते हो, जब आप इनकी बैटरी लाइफ एक्सपीरियंस करते हो, तभी आपको समझ में आता है। बेसिकली तीन डिफरेंस हैं जिन पे ये मॉडल्स जो हैं प्राइस किए जाते हैं। सबसे पहली चीज लाउडनेस, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, दूसरी चीज बेस कितना ऑफर कर पा रहे हैं, एंड तीसरी चीज इनकी बैटरी बैकअप। तो बैटरी बैकअप इस वाले का ना सबसे ज्यादा अच्छा है इन वाले सस्ते वाले से। अब देखो जो सबसे सस्ता वाला है ना उसके अंदर सबसे अच्छी पैकेजिंग है, इंडियन प्राइसिंग देखने को मिल रही है, यहां पे लोगोस वगैरह भी मिल रहे हैं स्टिकर पे, लेकिन एक्चुअल में ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, सबसे हल्की ऑडियो क्वालिटी एंड सबसे हल्की बेस इसी के अंदर मुझे फील हुई। इसके बाद आता है ये मीडियम वाला, 1600 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जाना चाहिए, एंड इसके अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा अजीब सी थी। पहली चीज, इसकी ऑडियो क्वालिटी इसकी आधी भी नहीं है, बैटरी बैकअप काफी ज्यादा कम है।
इस वाले की लाउडनेस एंड बेस इतना अच्छा है कि अगर आप इनको यूज करके टू व्हीलर ड्राइव भी कर रहे हो ना, तो आपको आसपास का ट्रैफिक नॉइज भी नहीं सुनाई देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि इतनी अच्छी ये ईयर लॉकिंग करके इतना अच्छा ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। एंड अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ये आईफोन के अलावा एंड्रॉइड्स पे भी कनेक्ट होता है, तो यस ये एंड्रॉइड्स पे कनेक्ट होता है। मैंने इसको अपने आईक्यू फोन के ऊपर कनेक्ट किया, गाने वाने सुने, बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन एक चीज जो मुझे मेंशन करनी यहाँ पे जरूरी लग रही है वो ये है कि जो ऑडियो क्वालिटी मुझे आईक्यू के अंदर फील हुई ना, वो काइंड ऑफ लोअर थी जो मुझे आईफोन के साथ में कनेक्ट करके इसकी पावर लगी। ऐसा लगा पावर अनलीश हो गई इसकी आईफोन के साथ। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही एंड्रॉइड फोन है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, आई एम नॉट श्योर कि बाकी एंड्रॉइड के साथ कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब सबसे ज्यादा काम की बात, बहुत सारे लोगों को ना इस तरीके के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, वो बाय करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके एक्सपीरियंस थोड़े से खराब हो जाते हैं, अगर प्रोडक्ट खराब हो जाए या फिर कुछ। तो यार ये देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये चाइनीज क्लोन प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ कोई वारंटीज आती नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ सेम एक्सपीरियंस हुआ लास्ट वाली जो मैंने वॉच के ऊपर वीडियो बनाया था ना, तो वहां से भी ना हमारे कम से कम ना तो 200-300 सब्सक्राइबर्स ने वॉच वो बाय करी, एंड उसमें से एक सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने वॉच खरीदी एंड एक वीक के बाद ही या कुछ 4-5 दिन के बाद ही वो वॉच काम करनी बंद कर दी। तो ऐसे में उनका मेरे पास मैसेज आया बताने के लिए अपने एक्सपीरियंस। तो बात वही है कि भैया 30,000-40,000-50,000-80,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको क्लोन होके सस्ते में 2,000-3,000 रुपए में मिल रहा है, तो आप उसमें वारंटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेलर की वारंटी बस वहीं तक होती है जब आपके हाथ में वो प्रोडक्ट आ जाए। अगर आपके हाथ में फर्स्ट क्लास आ गया, उसके बाद कोई भी वारंटी कोई भी यहाँ पे मार्केट में नहीं देता है। तो ये अपने ऊपर है, अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स लो ना, तो इस चीज को थोड़ा सा आप मान के चलना कि भैया चाइनीज प्रोडक्ट है, खराब हो सकते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। लेकिन अगर जो वारंटी वाली चीज है वो आपकी पहली प्रेफरेंस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन तरीके के प्रोडक्ट्स पे मत जाओ, तो आप चले जाओ बोट नॉइज या इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ज्यादा प्रीमियम आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, एक ओजी वाले प्रोडक्ट्स की फील नहीं होगी, लेकिन आपको वारंटी मिल जाएगी, तो वो भी 2,000-3,000 के अंदर काफी अच्छे अच्छे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, तो वो आप ले सकते हो। रही बात इसकी, सो अगर आपको ये एयरपोर्ट्स प्रो 2 वाले टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए हो, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वेबसाइट का, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हो, 100% ट्रस्टेड साइट है। ऑर्डर करने से पहले कोई डरने वाली बात है नहीं, प्रोमो कोड लगा लेना SS200, एक्स्ट्रा 200 रुपए ऑफ मिल जाएंगे सिर्फ पहले 100 जनों को। एंड गिव अवे के लिए बताया था ना, याद है ना, अगर आपको ये गिव अवे में चाहिए हो तो एक वीडियो पे लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट करके बताना कि ये मिलने के बाद आप पहला गाना इसके ऊपर कौन सा सुनना पसंद करोगे। सबसे मस्त वाला कमेंट पिक करूंगा एंड ये वाला एयरपॉड प्रो 2 आपके पहुंच जाएगा घर एब्सोल्युटली फ्री। पॉड्स की गिव अवे की तो समझ ली, अब समझ लो कैश करोगे गिव अवे की कहानी। नीचे दिए हुए लिंक से आपको कैश करो डाउनलोड करना है, मेरा प्रोमो कोड यूज करना है SS25, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों से कर सकते हो। एंड उसके बाद चाहे आप अपना फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाओ, चाहे स्विगी से खाना ऑर्डर करो, बस ऑर्डर नहीं कैंसिल करना है। एंड कैश करो की तरफ से हमारे व्यूअर्स में से 5 लकी विनर्स को 500 रुपए ईच का Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, आइए सारे कैशबैक्स की अपॉर्चुनिटी को रियल में कैश करो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।